वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैक्टिस्टिक्स ऑफ लेंथनॉइड्स एंड यूजेस लेंथनॉइड्स की कैक्टिस्टिक्स और यूजेस कर रहे हैं तो सबसे पहली जो कैक्टिस्टिक्स है वो है सिल्वर अपीयरेंस देखिए जो सारे लेंथनॉयड्स होते हैं सिल्वर अपीयरेंस की बात कर रहे हैं सारे जो होते हैं वो सिल्वरी होते हैं सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं और ये जो सारे होते हैं सॉफ्ट मेटल्स होते हैं तो ये फर्स्ट इसी कैटिस्टिक्स हैं नेक्स्ट ये जो लेंथनोइट्स होते हैं इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती है जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट देखिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट जो रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हाई मेल्टिंग पॉइंट रेंज जो कि वन थाउजेंड से ट्वेल्व हंड्रेड के की होती है सिर्फ सेमेरियम को छोड़कर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वन सिक्स टू थ्री के का होता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो सारे मटेरियल्स होते हैं इसके टिपिकली जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के तो ये जो क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के फोर्थ है डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज इनकी हाई डेंसिटी होती है और डेंसिटी की जो रेंज होती है वो सिक्स पॉइंट सेवन सेवन से नाइन पॉइंट सेवन फोर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की होती है नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फिफ्थ स्टैटिस्टिक्स पे जो कि है इसका कलर जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये सारे जो ये थोड़ा सिल्वरी वाइट मेटल के होते हैं नेक्स्ट है मेटेलिक बिहेवियर लेंथानर्ट्स जो होते हैं वो पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं इन्हें पैरामैग्नेटिज्म होती है क्योंकि एफ़ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एफ एंड एफ शेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर्टी होती है लेंथनोइड्स की किसकी वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो एफ सब शेल्स में प्रेजेंट होने की वजह से इनकम्प्लीट एफ ऑर्बिटल की वजह से नेक्स्ट सेवन्थ नंबर पे है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैक्टरस्टिक्स जो लेंथनॉइड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोपोजिटिव कैक्टरस्टिक्स होती हैं ये हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है नेक्स्ट है एट नंबर पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे कि ई नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम कैसे लिखते हैं एम थ्री पॉजिटिव क्योंकि ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली निकाल सकते हैं और मेटल जो है उसको गेन भी का, निकाल के एम जो है फॉर्मेशन यानी कि मेटल की फॉर्मेशन करते हैं इनकी जो रेंज होती है टू पॉइंट टू माइनस टू पॉइंट टू से माइनस टू पॉइंट फोर वोल्ट तक की होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस टू पॉइंट जीरो वोल्ट की नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट ये जो लेंथन होते हैं ये लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं टेंथ नंबर पे चलते हैं यह है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लेंथानोइ्स कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं बनाते हैं इसमें इतनी टेंडेंसी नहीं होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने की क्यों क्योंकि इनमें लो चार्ज डेंसिटी होती है और उनका ला लार्ज साइज़ की वजह से भी इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं बनती है नेक्स्ट है केमिकल बिहेवियर इनका जो केमिकल बिहेवियर होता है लेंथनॉइड्स का वो अलग अलग होता है जैसे कि हमारे पास लेंथनोइड्स हैं अगर ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हेलाइड्स बना लेते हैं कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड्स बना लेते हैं किसी एसिड के साथ रिएक्ट uh, करके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके एच टू गैस लिब्रेट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए तो एल एन टू थ्री प्रोड्यूस करते हैं नाइन टू के साथ हीट किया जाए तो एल लेंथनोइड uh, नाइट्राइड बना लेते हैं सल्फर के साथ एल एन टू एस थ्री बना लेते हैं एल एन यहाँ पर कोई भी लेंथनोइड हो सकता है एस टू ओ के साथ रिएक्ट करके एल एन ओ एच थ्री फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये सारी केमिकल बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अब हम देखिए लेंथनोइड्स के जो यूजेस हैं वो ये हैं कि नोट फाइंड इन प्योर स्टेट लेंथनोइड्स प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते हैं लेंथनाइट्स मेटल्स में अगर हम नाइ मान लीजिए नाइन्टी फाइव परसेंट आपने कोई लेंथनोइट्स मेटल लिया है जिसमें फिफ्टी परसेंट तो सी ई होगा और फोटी परसेंट होगा एल ए और जो फाइव परसेंट है वो दूसरे लेंथनोइट्स होते हैं आयरन को फाइव परसेंट ऐड किया जाता है तो जिससे कि एलोए फॉर्मेशन की जाती है तो इसका यूज़ एलोए फॉर्मेशन के लिए कर किया जाता है पायरोफोरिक एलोइ बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इसका यूज़ बुलेट्स बनाने के लिए भी किया जाता है शेल्स बनाने के लिए भी किया जाता है नेक्स्ट है लेंथनॉइड्स के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे कि एल ए टू ओ थ्री इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं जो ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल ग्लासेस में यूवी लाइट प्रोटेक्शन ग्लासेस बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस टेलीविजन स्क्रीन बनाने के लिए और फ्लोरोसेंस स्क्रीन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है थर्ड है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। देखिए जो लेंथानोयर्स होते हैं ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है तो इसका यूज़ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है जो सीरिक सल्फेट होता है इसका यूज़ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया जाता है सीरिक सल्फेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका यूज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए भी किया जाता है तो ये है यूज़ेस ऑफ लेंथनोइ्स तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू